जय श्रीमन्नारायण। मित्रों मित्रों महर्षि पाराशर ने 13वें अध्याय में लग्न भाव फलाध्याय लिखा है। आपकी जन्म कुंडली के लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हो या किस लग्न की कुंडली हो तो वो ग्रह कहाँ बैठा हो तो किस प्रकार का फल देगा, इस विषय में बहुत ही विस्तृत रूप से महर्षि पाराशर ने बतलाया है। तो आज के पहले हमने इनमें से 7 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। आज 8वें श्लोक के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस श्लोक के ऊपर हम कुछ चर्चा करें उससे पहले आइए महर्षि पाराशर को देखते हैं। महर्षि पाराशर अपने 8वें श्लोक में कहते हैं कि स सौरे स कुजे वापी लग्ने मेसे ब्रसे हरौ राज्यंस सद्रसे गात्रे स जातो नाल वेष्टितः। मित्रों इस श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं यदि आपकी कुंडली मेष ब्रेस या सिंह लग्न की हो और लग्न में शनि या मंगल हो तो लग्नगत नवांश की जो राशि होती है इसे ये जाना जा सकता है कि उस जातक का नाल जो है उसके गात्र में फंसी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। और अगर आपको आपके कुंडली को लेकर कोई दुविधा हो या फिर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी हो तो आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बिल्कुल निःशुल्क जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर आइए, वहाँ किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ आप अपना प्रश्न भी लिखिए। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर ही उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण।